चलते हैं और फाड़ते हैं। So guys, maximum मेरे साढ़े पांच रेप्टिल एक्शन। So guys, ये भी एक्शन खत्म होती है। आफ्टरनून, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। जैसे आप देख सकते हो और पहली बार मेरे हाथ में माइक देख रहे हो आप, क्योंकि ये साउंड है ना जो सही से आवाज़ नहीं आती, तो कई लोग कह रहे थे कि भाई आपकी साउंड की आवाज़ सही नहीं आती, तो इस वजह से ये दोस्त का साउंड है, माइक है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ आज अपनी वीडियो में। फाइनली मैं भी जल्दी से लूँगा अपने लिए कि जो आपको सही से वॉइस मेरी सुनाई दे। तो सो गाइस, मैं आज ट्रेन करने वाला हूँ यतेंद्र सिंह की बाइसेप की एक्सरसाइज, जो उन्होंने मिस्टर एशिया तक पहुंचने के लिए जो मिस्टर एशिया में जो गोल्ड लेके आए हैं, आपने भी अगर वीडियो नहीं देखी तो यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, यतेंद्र सिंह नंबर वन यूट्यूब चैनल फिटनेस लाइन में। तो आज उनकी मैं ट्रेन करने वाला हूँ बाइसेप की एक्सरसाइज, जो सिंगल ही है ना, वो डबल नहीं मारते, क्योंकि उन्होंने बताया था कि मैं सुबह बाइसेप की करता हूँ और शाम को ट्राइसेप की करता हूँ, या कभी कभी वो ट्राइसेप की सुबह करते हैं और कभी कभी बाइसेप की शाम को। तो मैं ट्रेन करने वाला हूँ अभी फिलहाल के लिए, उन्होंने अपलोड किया जो वीडियो बाइसेप की एक्सरसाइज और उनकी जो बताई गई एक्सरसाइज उन्हीं को फॉलो करूँगा। तो उसमें पहले मैं वार्म अप करूँगा जिससे कि मेरा शरीर से खुल जाए और मैं हैवी वेट मार सकूँ, क्योंकि शरीर को खोलना पड़ेगा जिससे कि आप हैवी वेट मार सकें और जिससे कि आपको कोई इंजरी के चांसेस न रहे कि हमारे पेन हो रहा है नहीं हो रहा। और ये बात हमेशा याद रखें कि आप जिस भी पार्ट की एक्सरसाइज करें, जहाँ चेस्ट हो या बाइसेप हो या ट्राइसेप हो, जिस भी पार्ट की उसकी थोड़ी ज़्यादा वार्म अप कर ली जाए हल्के वेट से, और जिस पार्ट की हमें नहीं करनी उसकी नॉर्मल की हाँ पंपिंग कर ली, स्ट्रेच हो गए बस, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज में लग जाओ। और आपको मैं बताता हूँ एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, ये सब लोग कहते हैं कि नहीं उसमें एनर्जी चली जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं। चलो मैं पहले वार्म अप करता हूँ फिर ट्रेन करता हूँ। यतेंद्र सिंह नंबर वन यूट्यूब चैनल, अगर आपको नहीं पता तो जाके यूट्यूब पर देख सकते हो। तो अभी वार्म अप करते हैं और देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ। बाइसेप के लिए हल्के डंबल ले रहा हूँ जिससे कि अच्छे से वार्म अप कर सकूँ। तो उसमें आपको इसमें जो आपको लगता हो कंफर्टेबल, जो आपको हल्का लगता हो, तो मैं अभी वेट के लिए मैं ले रहा हूँ, ये चार तो नहीं ले रहा, मैं भी ले रहा हूँ 3.5 किलो के डंबल जिससे कि मैं बाइसेप का वार्म कर सकूं। तो 20-20 रैप करेंगे जिससे कि बाइसेप का अच्छे से वो वार्म अप हो जाए। वार्म अप कम्प्लीट हो चुका है और तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी होने वाली है सिंगल डी। कैसे बोलेंगे सर एक्सरसाइज को, इसे बोलेंगे मैं नाम लिख दूँगा, मुझे एक्सरसाइज का नाम ध्यान से याद नहीं आ रहा, बोला नहीं आ रहा सर, तो मैं नीचे नाम लिख दूँगा और वीडियो में कौन सा एक्सरसाइज। तो अभी अपने हिसाब से जो आपको ऐसा लगे कि जो आपको ऐसा लगे कि मैं इस वेट में 12 रैप्स निकाल सकता हूँ, उसी वेट को चुनना, ना मेरी ना किसी और की भी। उनको देख के आप ये मत सोचो मैं भी उतना हैवी वेट मारूँ, नहीं, जो आपसे लगे जिससे आपको लगे कि मैं 12 रैप्स निकाल सकता हूँ सेम वही वेट। तो अभी मैं पहली प्लेट लगा रहा हूँ 7.5 की और एक प्लेट है, तो देख सकते हो अभी ये पहली है ये दूसरी, तो दो प्लेट लगी 7.5 की, तो मतलब 15 kg पहले सेट में। तो वह करते हैं स्टार्ट पहली एक्सरसाइज। लेट के और बिल्कुल सीधा ना इधर उधर, क्योंकि इसमें कोई सी चीट नहीं कर सकते हम कि हम ऐसे हिल रहे हैं, कोई चीट नहीं, और बड़े रिलैक्स है, पूरे खींचते हुए स्क्वीज रिलैक्स, पूरा फील आया आपके बाइसेप में, जो आपको ऐसा लगे कि पूरा कॉन्सेंट्रेशन इसी में रहना चाहिए, मसल माइंड कनेक्शन बाइसेप की एक्सरसाइज में। सिर्फ चलो करते हैं 12 रैप्स 2-3-11-12 सेम, इससे 12 होने के बाद तुरंत ही ये ना कि हमें उठना है जाना नहीं, जब इसका एक हो जाए तो उसका एक फिर एक सेट माना जाएगा। तो इसका करते हैं 1-2-3-4-5-6-7 पूरा रिलैक्स से खींचते समय पूरा माइंड कनेक्शन बाइसेप की होनी चाहिए, ना कि किसी और चीज़ की, पूरा खींचा रोका
और आराम से छोड़ा ये 9, 10, 11 और आपको जैसे लगे कि आपसे नहीं लग रहा तो आप इससे हेल्प ले सकते हो। ये भी बहुत अच्छी बात है, देखो ऐसे करके जैसे आपसे नहीं लग रहा तो ये यहाँ अपनी उंगली लगाई और ये 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 हो गए। इसके हम टोटल करने वाले 3 सेट, तो पहला सेट मुझे दो और करता हूँ फटाफट, तो आप देख लेना आपको कैसे लगता है, कितना वेट आप बढ़ा सकते हो। तो मुझे तब इजी दे रहे हो तो मैं भी और वेट बढ़ा रहा हूँ। दो सेट कंप्लीट, 10 रेपिटेशन लगाई सर, एक सेट और रह गया, देखते हैं 8 रेपिटेशन कंप्लीट मारने की कोशिश करेंगे। 8 तो मैक्सिमम मारूंगा, 4 प्लेट लगा चुका हूँ। अगर मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा हैवी है तो मैं ड्रॉप करूँगा। सो गाइस जैसे मुझे अगर ये लगा ज़्यादा हैवी है तो आपको पता ही इसलिए क्या करना है, अगर आपको ज़्यादा हैवी लगे कि आपकी 8 से कम रेपिटेशन निकली तो आप ड्रॉप कर सकते हो, जिससे कि आप उसको कवर कर सकते हो। ऐसे कुछ नहीं, मैं भी ड्रॉप मारूंगा, देखना अगर मैं इसे 4 सो गए दूसरी एक्सरसाइज करने वाले हम इंक्लाइन डंबल कल आपने देखा होगा लेट के जो मारते हैं, आप देख सकते हो वाइस में कितनी अच्छी पंपिंग आ रही है पहली एक्सरसाइज में। सो गाइस ठीक है, तो 45 के करीब ये हो चुका है तो मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ। वो आपके मैं फिर से बता रहा हूँ, आप मेरी या किसी भी यूट्यूबर को देख के वेट हैवी मारने की कोशिश मत करना। हाँ वो सो गाइस आप मैं मानता हूँ कि उनको देख के आप इम्प्रेस होते हैं, आपको लगता है कि हम भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हो, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे तो क्या आप एकदम से उस हैवी वेट में थोड़ी पहुँचे हो। तो गाइस मैं भी जो आपसे वेट लगे जिससे कि आप 12 रेपिटेशन ईजिली निकाल सको, आपको लगे कि हाँ 12 रेपिटेशन तो उतना ही लेना लो। पंपिंग आप देख सकते हो पहले से काफ़ी वो है। तो सो गाइस 2 सेट हो चुके हैं, 3 सेट ट्राई करता हूँ, 15 वेट लेता हूँ, 6 रेपिटेशन निकालने की कोशिश करूँगा। 6 रेपिटेशन चलो
थोड़ी चौक लगा के आते हैं, आ जाओ। जिससे कि हाथ फिसले ना और ग्रिप अच्छे से बन सके। चलो चलते हैं और फाड़ते हैं। छह रेपिटेशन तो छह रेपिटेशन, उससे एक कम नहीं, नहीं सब उससे ज्यादा लग जाए। चलो करते हैं। एक दो तीन। बस बस बस, लास्ट 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 लास्ट। मैक्सिमम मेरे साथ 5.5 रेपिटेशन से निकली। मैं झूठ नहीं बोलूँगा 5.5 निकली है, जो आपने भी देखा। मैं नहीं कहूँगा मैंने 6 पूरी निकाली, नहीं। इस हाथ से पूरी पूरी निकली है और इससे एक रह गया, तो ही बात है होगी पूरी। तो इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती तो हल्का लाइट वेट लेता हूँ, 7.5 का ड्रॉप सेट, जिससे कि थोड़ा रिलैक्स हो जाए। सो गाइस, ये भी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज में, जो ओल्डेड है, ओल्ड एज एक्सरसाइज है, जिसे आर रोड भी ट्रेन करते थे। समझे क्यों होंगे, नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ। 21 रॉड, आ जाओ। तो इसी से लगा लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, इसी पे रॉड रख लेंगे, जिससे कि इजीली हमें नीचे बार बार ना झुकना पड़े और हम यहीं से उठा के आराम से कर सकें। अगली बार 8 रेपिटेशन मारूंगा 15 की, करते हैं। मैं बताता हूँ 21 कैसे होती है। जैसे ये रॉड है, हमने इसे वेट लगाया एक्स वाई जेड, कितना भी वेट, वो बंदे पे डिपेंड करता है बंदा कितना वेट मारता है। जैसे मैंने इसमें 5 प्लेट लगाए, तो 21 का मतलब ये होता है कि 7 यहाँ तक, एकदम हाफ 7 है, 7 बार, जैसे 1 2 3 ऐसे करके 7 बार, और फिर 7 यहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2, और ऐसी ही 7 होने के बाद हाफ हाफ करने के बाद फिर हम मारते हैं फुल, जैसे ये 1 2 3 ऐसे करके 7, जब जाके हमारा एक साइड कंप्लीट होता है जिसे हम 20 बार कहते हैं। तो अभी मैं इसमें रेट लगाने वाला हूँ, 5 से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो 5 5 10, तो 10 स्टार्टिंग रखता हूँ। तो गाइस 10 स्टार्टिंग करता हूँ दिखाते हैं आपको। चलो करें कर। और मैं फिर आपको बताता हूँ, आपको इसमें ऐसे बाहर नहीं पकड़ना, अंदर नहीं पकड़ना, सिर्फ शोल्डर की लेंथ हो उतना है। जैसे ये देखो, ये हो गया, ये देखो इजीली, ज़्यादा बाहर नहीं ज़्यादा अंदर नहीं, नॉर्मल किया, 7 ऊपर फिर 7 उससे ऊपर। चलो 1 2 3 4 5 6 7, अब ऊपर 7 हो गया, अब ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, अब फुल और रेंज मोशन। चलो करते हैं 1 2 3 4 एक और 7, सेम ऐसी करनी है। देख सकते हैं जो दोस्त है जो मोबाइल पकड़ रहा है, जो मेरी वीडियो बना रहा है, वो हेल्प दे नहीं सकता। अगर वो हेल्प देगा
तो वीडियो आपको कैसे पता चलेगी मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो उतनी ही वीडियो लाऊंगा जिससे कि मैं सेल्फ मार सकूँ। तो इस लड़के लिए मैं ढाई बढ़ा रहा हूँ। चलो यतेंद्र सिंह की लास्ट एक्सरसाइज है हैमर में, जो मैं परफॉर्म करने वाला हूँ। अपने अकॉर्डिंग वेट लगाना, मैं फिर बता रहा हूँ। कई लोग देखा था कि मैं कि हम भी लगाएंगे, हम भी करेंगे, हम भी जल्दी जल्दी बनाएंगे, देखा था कि मैं दूसरों की, अपने अकॉर्डिंग जितना आप मार सको, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना ही वेट। तो मेरी कैपेसिटी है, मैं मार रहा हूँ, आपकी कैपेसिटी जितनी हो जाएगी आप बिन कहे किसी के खुद से मारोगे। तो मैं लगा रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेटें मैं लगा रहा हूँ। तो मैक्सिमम सही है, और जैसे आपको लगे कि हाइट छोटी है या कुछ भी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरे को तो ये दस्ता नहीं, हाँ मैं ऐसी मारी। और मैं फिर बता दूँ इसमें मैं निकालनी है 15 से 20 के अंदर रैपिड सेल, ना 12 ना 13 नहीं, 15 से 20 के अंदर रैपिड सेल। दो सेट ही मारूंगा, ज्यादा नहीं, दो सेट बस। पहला सेट मारा 20 का, एक सेट और रह गया, वेट बढ़ाऊंगा एक प्लेट और। और मस्त है एक्सरसाइज, मस्त है। मैंने खुद ने यूट्यूब पर देखी थी वीडियो, तो मैंने सोचा कि नहीं यार क्या करूँगा एक्सरसाइज, लेकिन मैंने कहा एक बार ट्राई करते हैं। तो ट्राई करने के बाद देख सकते हो क्या पंपिंग है, क्या मज़ा आ रहा है एक्सरसाइज करने में। तो लास्ट सेट रह गया, इसे करते हैं कंप्लीट। चलो 15 से 20 के अंदर मैं रेपिटेशन फिर बता रहा हूँ। चलो ऐसे पकड़ना है इसे थोड़ा पीछे एंड स्टार्ट। देख सकते हो, तो सुबह एक्सरसाइज भी खत्म होते हुए। और आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें, और कमेंट कर देना कि आपको ऐसी और भी इसके टॉपिक की और भी वीडियो चाहिए। मैं बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ, यतेंद्र सिंह हो गए, वो नंबर वन यूट्यूबर है। और आपको मैं मतलब से बताता हूँ, जैसे आपको मेरी वीडियो समझ नहीं आई ना कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, तो आप जाके यतेंद्र सिंह नंबर वन यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाकर उनसे देख सकते हो, वो मेरे से बेटर समझा सकते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस। मैं तो खाली उनको कॉपी करके बता रहा हूँ वीडियो आपको, कि आपको इजीली समझ आ जाए। तो अगर आपको समझ नहीं आई तो आप यतेंद्र सिंह की भी वीडियो देख सकते हो, काफ़ी बेनिफिट एक्सरसाइज है। मेरे बाइसेप की पंपिंग बेस्ट, मैं कहता हूँ मस्त। अगर ऐसी और भी वीडियो आपको देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको दिल से पसंद आई तो किसी एक दोस्त को शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय।